हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? वी होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन। जैसे कि बेटा, हमने लास्ट लेक्चर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डिस्कस किया, और उसके बेटा चार मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। उन एप्लीकेशन में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है ऑप्टिकल फाइबर, जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बेटा एज इट इज एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको इसको थोड़ा बना के लिखना है सिस्टमेटिक वे में। जैसे सबसे पहले लिखेंगे आप ऑप्टिकल फाइबर है क्या, इसकी डेफिनेशन, फिर इसका प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एप्लीकेशन, तो आपको बिल्कुल बना के लिखना है। तो सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर स्टार्ट करने से पहले, जो ये है क्या एक्चुअल में, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसकी एक एप्लीकेशन है। तो बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या था, जब भी मान लो ये हमारा कोई मीडियम इंटरफेस है, इससे ऊपर मीडियम वन है, इससे इसके जो नीचे वो मीडियम टू है, कोई भी लाइट अगर डेंसर से रेयर की तरफ इंसिडेंट हो रही है, तो बेटा रिफ्लेक्ट एक टाइम ऐसा आएगा, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर वो एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता तो ये लाइट वापस उसी मीडियम में मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है। तो इस फिनोमेना का नाम क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो इसका कंप्लीट है बेसिक फॉर्मूला वो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो आज बेटा हम स्टार्ट करें ऑप्टिकल फाइबर, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर है क्या, ऑप्टिकल फाइबर बेटा एक हमारे पास एक साइंटिफिक टेक्निक है, जिसकी हेल्प से हम जो हमारा सिस्टमेटिक कोई भी हमें डाटा ट्रांसफर करना है, मान लो वो डाटा ट्रांसफर पहले भी होता था, अब भी हो रहा है, लेकिन अब बहुत फास्ट हो रहा है। तो जो वो फास्ट प्रोसेस है, और ना कोई बीच में डाटा लीक हो रहा, जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है वो उसकी एक्यूरेसी भी है, तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है, ऑप्टिकल फाइबर की। तो बेटा ऑप्टिकल फाइबर स्टार्ट करें तो सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर के अंदर देखिए क्या होता है। एक होगी एक ग्लास की ट्यूब है, बहुत ही पतली सी, ये क्या है, ग्लास ट्यूब, ग्लास ट्यूब। जिस सबसे पहले ऑप्टिकल देखो क्या होता है, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल होता है बेटा लाइट। फाइबर, फाइबर क्या होता है, धागा, मतलब एक बहुत ही पतला सा धागा, ठीक है, मींस एक बहुत ही पतली सी हमारे पास बहुत ही थिन ग्लास की ट्यूब है। इसके ऊपर हम जो लाइट इंसिडेंट करवाएंगे, ये लाइट इंसिडेंट करवाएंगे, मान लो ये लाइट इंसिडेंट होगी। अब देखो बेटा ये हमारे किसकी बनेगी, ग्लास की। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, जिस इंटरफेस पर फॉल हो रही है, यहां क्या आएगा नॉर्मल, यहां क्या है ग्लास, ग्लास का मान लेते हैं म्यू टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए यहां पर क्या होना चाहिए, रेयर मीडियम, मींस जो यहां पर बाहर जो भी मीडियम हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं म्यू वन है, और वो क्या है, म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन, जिससे कि हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। क्योंकि बेटा वहां पर दो कंडीशन थी, पहली कंडीशन क्या थी, डेंसर से रेयर में, तो ये डेंसर हो जाएगा, ये रेयर, सेकेंड जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो। तो इस केस में जो हम बेटा लाइट फॉल करवाएंगे वो इतना एंगल हो, ये एंगल इतना बने कि वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा, ग्लास का क्रिटिकल एंगल क्या था, 42, नियरली इक्वल टू 42 के समथिंग। तो उस एंगल से ज्यादा एंगल पर हमें ये लाइट इंसिडेंट करानी है, ताकि ये बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहे और ये बेटा आगे की तरफ मूव करती रहेगी। अब एक चीज देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो बेटा ये है, इसको हम बोलते हैं कोर, क्या बोलते हैं, कोर। इसके ऊपर एक मटेरियल के द्वारा इसको कवर किया जाता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बेटा क्लैडिंग, क्या बोलेंगे, क्लैडिंग, मींस ऐसे समझो ये हमने इसको ऊपर से कवर कर दिया, मींस यहां पर कोई मटेरियल है, या कह दो ये एक मटेरियल की लेयर है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लैडिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लैडिंग। तो जो यहां पर मटेरियल यूज होगा उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू वन, और वो म्यू वन म्यू टू से कम होना चाहिए, क्योंकि तभी हमारी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगी, ठीक है। तो ये काम है बेटा यहां पर क्लैडिंग का। अब हमें इस क्लैडिंग के ऊपर एक और है, एक और कवरिंग होती है बेटा, उसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव लेयर, इसकी बात करेंगे थोड़ी देर बाद। प्रोटेक्टिव मतलब इसको बाहरी जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका, इसके अंदर कोई भी डिस्टरबेंस ना है,
उसके लिए हम इसको बाहर से कवर करेंगे, वो क्या हमारे पास प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है बेटा, अब देखिए आपको इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर है क्या, वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या है, एक बहुत ही पतली सी ग्लास की ट्यूब है जिसको हम कोर बोल रहे हैं, उसके ऊपर एक और हमने क्लैडिंग की हुई है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लैडिंग मीन्स उसके ऊपर, मान लो ये हमारे पास बहुत ही पतली सी ग्लास की ट्यूब है, तो इसके ऊपर बेटा एक कवरिंग है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्लैडिंग। और जो उस कवरिंग के अंदर जो मटेरियल यूज हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंदर वाली जो कोर है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, ताकि जो अंदर का मीडियम है वो डेंसर हो जाए, बाहर का रेयर हो जाए। और उसको भी बेटा हमें एक और कवर करना है, वो क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, इसके बाद हम इसकी वर्किंग, वर्किंग में क्या आएगा बेटा, देखो जो हमारे पास लाइट इंसिडेंट हो रही है, पहली बात वो ऐसे एंगल पे इंसिडेंस हो कि वो एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, मीन जो लाइट फॉल करे जो उसका एंगल बने उसके अंदर वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, ताकि ये बार बार इंटरनल रिफ्लेक्शन होते रहे। ये आप ऐसे कह सकते हो कि जो ये सरफेस है इस सरफेस के बिल्कुल पास होनी चाहिए, इस सरफेस के बिल्कुल पास होगी तो बेटा नॉर्मल से जो एंगल है वो लार्ज बनेगा, और एंगल लार्ज बनेगा तो सिंपल सी बात है कि हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये है बेटा हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर की, फॉल हुआ ये एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 42 से ज्यादा रहेगा तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर यहाँ फॉल होगी, फिर ये एंगल ज्यादा रहेगा तो ये इस टाइप से मूव करती रहेगी। और ये देखो बेटा ये हमने क्या फॉल करवाया, लाइट। अब लाइट की स्पीड क्या होती है, बहुत ज्यादा, लाइट की स्पीड क्या है, बहुत ज्यादा, तो जो हमारे सिग्नल का अब ट्रांसफर हो रहा है वो भी बहुत ज्यादा हो रहा है। मीन्स इसकी एप्लीकेशन में आप क्या लिख दोगे, एक तो कम्युनिकेशन, जो पहले कम्युनिकेशन हमारा स्लो हो पाता था वो अब इसकी हेल्प से, क्योंकि जो हमारे सिग्नल अब ट्रांसफर हो रहे हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से हो रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा है, तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो फास्ट हो गया, मीन्स स्पीड हमारी इंक्रीज हो गई। दूसरी बात, अब देखो बेटा पहले कोई भी, जैसे हमारा मान लो एटमोसफेयर, जैसे मान लो हमारा जो वेदर कंडीशन है वो अच्छे नहीं है, खराब है, बारिश हो रही है और कुछ हो रहा है, तो पहले के टाइम में क्या होता था, जो हमारा डाटा है, जो हमारा नेटवर्क है, जो हमारा सिग्नल ट्रांसफर है वो उसकी वजह से उतना फास्ट नहीं हो पाता था। लेकिन अब यहाँ पे इसको बेटा इतनी हम बाहर से कवरिंग करेंगे, वो भी डिस्कस करेंगे, उसकी वजह से बाहर का एटमोसफेयर वो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाल पाएगा, मीन्स स्पीड फास्ट हो गई। और बहुत देखो अब जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है, कहीं भी कोई डाटा लीक नहीं हो रहा, कहीं भी कोई डाटा लॉस नहीं हो रहा, मीन्स हम एक डाटा को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, मीन्स बहुत ज्यादा दूर तक, एट लार्ज डिस्टेंस, मीन्स हम लार्ज डिस्टेंस तक भी इसको अब ट्रांसफर कर पा रहे हैं हमारे डाटा को, और हमारे पास कोई भी डाटा का लॉस नहीं हो रहा, लॉस ऑफ डाटा नेग्लिजिबल, मतलब है ही नहीं। और जैसे आपने देखा होगा जब भी किसी पेशेंट को पेट में प्रॉब्लम होती है तो बेटा एक हम इस टाइप की एक ट्यूब डालते हैं, क्या डालते हैं, ट्यूब, और उस ट्यूब में क्या, उस ट्यूब में क्या होगा, यहां से हम सिग्नल भेजेंगे और वो सिग्नल कहाँ जाएंगे, एज इट इज ट्रांसफर होते होते टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता होता पेट के अंदर, तो बेटा उसकी इमेज हम यहाँ एक स्क्रीन पर देख पाएंगे कि हमारे जो पेट के अंदर है वो एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। तो ये क्या होता है, एंडोस्कोपी। तो बेटा इसका मेडिकल लाइन में भी बहुत ज्यादा यूज है, मेडिकल लाइन में जैसे एंडोस्कोपी हम कर रहे हैं। तो ये बेटा ऑप्टिकल फाइबर्स की एप्लीकेशन। अब अगर हम बात करें, जैसे मान लो अब इस ऑप्टिकल फाइबर को हमें, देखो ऑप्टिकल फाइबर को एक जगह से दूसरे जगह तक इंटरनेट का कनेक्शन हमें चाहिए, तो इसको हमें इसकी लाइन बिछानी पड़ती है। जैसा जैसा कि आपने देखा भी होगा शहर के अंदर, गांव के अंदर, जो आजकल एक गांव के बाहर से एक लाइन पास हो रही है, मीन्स एक हम एक धरती के नीचे से एक लाइन, या हम कह दें कि हम वहां पे एक खाई खोदते हुए उसके अंदर से इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, मीन्स ये वायर वहां पर बिछाए जा रहे हैं। अब ये वायर बेटा समुन्द्र में भी है, मीन्स ये वायर पानी के अंदर भी बिछाए जा रहे हैं, जिससे कि एक जगह से दूसरी जगह पर कनेक्शन हो सके और फास्टली डाटा ट्रांसफर हो सके। तो अब एक चीज देखिए, अगर यहाँ पर हमें इसको पानी से भी बचा के रखना है,
और जो एटमोसफेयर है उसका भी कोई इसके ऊपर कोई नुकसान ना हो। तो बेटा एक्चुअल में क्या होता है, जैसे एक्चुअल में मैं आपको दिखाऊं, ये आपके पास में एक ग्लास ट्यूब है, बहुत ही पतली सी, क्या है, बहुत ही पतली सी ग्लास ट्यूब। इसके ऊपर हम क्या, इसके ऊपर हम करेंगे बेटा क्लैडिंग। इसके ऊपर क्या आएगी, क्लैडिंग मीन्स यहां पर कोई मटेरियल भरा हुआ है या किसी मटेरियल की काम ने इसके ऊपर कवर किया हुआ है। इसके ऊपर फिर से क्या आएंगी, प्रोटेक्टिव लेयर्स, क्या आएंगी, प्रोटेक्टिव लेयर्स। अगर मैं बाहर से बात करूं तो बाहर से बेटा सबसे पहले जो इसकी कवरिंग है वो है वाटरप्रूफ, मींस वाटर से बचाने के लिए इसको कवर किया जाता है। उसके बाद में फिर इसकी कवरिंग है स्टील की, स्टील की, ताकि किसी भी तरीके का कोई भी इफेक्ट है वो इसके ऊपर ना आने पाए। दोबारा से फिर हम इसकी कवरिंग करेंगे वाटर की, दोबारा से फिर हम करेंगे कवरिंग स्टील से। मींस कोई चांस ही नहीं है कि हमारा जो सिग्नल है उसका कोई भी लॉस हो जाए। और उसके बाद हमारी ये सब क्या आ गई, प्रोटेक्टिव लेयर्स, प्रोटेक्शन। अगर हमें देखो ये तो डिपेंड करेगा कि हम इस लाइन को कहां पर बिछा रहे हैं। जैसे समुन्द्र में है तो हमें इतनी ज्यादा इसकी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी, अगर कहीं और करें तो वो उसकी सिचुएशन के हिसाब से। और उसके अंदर क्या आ जाएगी, हमारी प्रोटेक्टिव लेयर, क्लैडिंग, और ये हमारे पास एक ग्लास की छोटी सी ट्यूब। अब क्या हुआ, जो ग्लास की ट्यूब है, अब अगर हमें सिग्नल बेटा बहुत ज्यादा दूर हमें ट्रांसफर करने हैं तो हम इस ऑप्टिकल फाइबर का सहारा लेंगे। अब ऑप्टिकल फाइबर में अगर ये ट्यूब ग्लास की हो तो क्या ग्लास, देखो मान लो हमें यहां से यहां तक पहुंचाना है तो क्या हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट पहुंचा पाएंगे, क्या पता रास्ते में क्या हो जिससे हमें इसका पाथ चेंज करना पड़े। और अगर इसका पाथ चेंज करना पड़ेगा तो ग्लास क्या होगा, ग्लास को हम बेंड नहीं कर सकते। तो इसके बाद जो साइंटिस्ट आए उन्होंने ये इस टाइप का यहां पर मटेरियल लगाया कि जिससे हम इसको बेंड भी कर सकें। मींस अब जो ऑप्टिकल फाइबर है वो जरूरी नहीं है कि हमें इसको स्ट्रेट ही चाहिए, जो ग्लास की ट्यूब है वो स्ट्रेट। अब बहुत सारे मटेरियल ऐसे हो गए मींस इस टाइप में भी हम उसको बेंड कर सकते हैं या हम उसको इस टाइप में भी बेंड कर सकते हैं। फिर इस केस में यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस का थोड़ा सा इशू आएगा। उस इशू को रिजोल्व कैसे किया जाएगा, जो उसके ऊपर क्लैडिंग है मींस उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ऑलवेज हमेशा ही एंगल ऑफ हम कह दें उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से हमेशा ही लार्ज बना रहे। तो इस टाइप से उसका जो बाहरी जो क्लैडिंग है वो बनाई जाएगी। तो ये है बेटा हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर। आपको इसके बारे में जो हमने लास्ट में बातें की कि जो हमारा बाहर का है वो वाटर प्रूफ है, फिर स्टील है, फिर ये है, फिर वो आपको नहीं करना। आपको सिर्फ यहां तक करना है, एक ग्लास ट्यूब है, एक क्लैडिंग है, और एक हमारे पास प्रोटेक्टिव। ठीक बेटा, तो ये था हमारा आज का टॉपिक ऑप्टिकल फाइबर। ये हम कह सकते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एक एप्लीकेशन थी। अब अगर हम लास्ट एप्लीकेशन की तरफ मूव करें तो इसकी बेटा एक और एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन में क्या है, वो है हमारा जो आपने देखा है रियल लाइफ में, एक तो हमारे पास डायमंड है और एक ग्लास है, किसकी चमक ज्यादा है, किसकी ब्रिलियंस ज्यादा है, मीन्स कौन ज्यादा चमकता है, कौन ज्यादा चमकता है, आप कहोगे डायमंड। हाँ, डायमंड ज्यादा चमकता है। मींस अब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, मींस जो डायमंड की इतनी चमक है वो है क्या। एक सेकंड वेट करना। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ये मींस डायमंड के अंदर ऐसा क्या है कि वो बहुत ज्यादा हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। अब ऐसे समझो, लास्ट लेक्चर जिन बच्चों ने देखा हुआ है, जो हमारा क्रिटिकल एंगल है वो ग्लास के लिए, और एक हमने निकाला था क्रिटिकल एंगल डायमंड के लिए, दोनों का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज पुट कर दें तो ये हमारा आया था नियरली इक्वल टू 42 डिग्री और ये नियरली इक्वल टू 24। ये वैल्यू बेटा एक्यूरेट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, नियर बाई 24 और नियर बाई 42 था। अगर हम इनको स्टडी करें, जैसे हमारे पास मान लो, ये सिर्फ समझाने के लिए, यहां से 0, यहां से 90 डिग्री,
मीन्स अगर कोई लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है तो वो बेटा सीधा निकल जाएगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो। मान लो 24, हम किसकी बात कर रहे हैं, डायमंड की, मीन्स यहाँ पर क्या हमारा बन जाएगा, एंगल 24, मीन्स कोई लाइट का यहाँ पर सोर्स है, उससे लाइट आ रही है, ठीक है। 24 डिग्री एंगल से अगर कम एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो वो कहाँ जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट। कब हो रही है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्या है, 24 से कम है। अगर इस रीजन की बात करें, इस वाले रीजन की, ये हम किसकी बात करें बेटा, डायमंड की। डायमंड के केस में क्या होगा, अगर एंगल 24 से ज्यादा है तो वो क्या है, एंगल 24 से ज्यादा है मींस वो क्या है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो उसको हमें क्या करना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मींस वो लाइट वापस आएगी। अब अगर सिंपल सा देखें, हम ऐसे मानते हैं कि हम यहां से 90 रेज इसके ऊपर फॉल करवा रहे हैं, मींस हर एक डिग्री पे एक रे फॉल करवा रहे हैं, तो 1, 2, 3 मींस हमने यहां से यहां तक 0 से 24 तक हमारी कितनी रेज आई बेटा, 24 मींस यहां पर कितनी गई, 24, और जो बच गई कितनी बच गई, 90 में से 24 घटा दो 66, तो वो 66 कहां आएगी, वापिस अंदर आएगी। मींस डायमंड के अंदर ऐसा कुछ है, ऐसा उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर की भी हम बात करेंगे कि डायमंड का स्ट्रक्चर वही क्यों होता है, और एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक क्रिटिकल एंगल की वैल्यू, जब भी लाइट उसके अंदर एंटर करती है तो बेटा इतने परसेंट, क्योंकि हमने 0 से 90, 0 से 100, अगर हम यहाँ से 0 से 100 लाइन्स पास करवाते, 100 रेज फॉल करवाते, तो हमारे पास 66 क्या था, उसी के अंदर बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है, और इतना पोर्शन बाहर निकलने के चांस है, ठीक है। अगर यही फिनोमिना हम ग्लास पे देखें तो ग्लास पे बेटा ये एंगल कितना आएगा, 42, मींस 42 से कम है तो वो ऊपर जाएगा, 42 से कम है तो बेटा वो कहां जाएगा, ऊपर, मींस 42 था ये एंगल तो कहां गई, ऊपर, ग्लास की बात कर रहे हैं। अगर 42 से 90 के बीच का है, मींस कितना बच गया, 48 लाइंस यहां पर, तो वो लाइंस कहां आएंगी, वापस। अब एक चीज देखो बेटा, एक मान लो हमारे पास ग्लास है, एक मान लो हमारे पास डायमंड है, दोनों के अंदर कोई लाइट की रेज एंटर कर गई। अब इस केस में अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, नियरली 48% चांस है कि वो अंदर ही घूमती रहे, अंदर ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहे, लेकिन इस केस में कितने चांस है डायमंड के, 66% की वो अंदर ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करती रहेगी। एक तो ये वजह है कि जो डायमंड है वो ज्यादा चमकता है, और एक ये वजह है बेटा, डायमंड की जो शेप है, जो हमारे पास डायमंड की शेप होती है, वो इस तरीके से उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इस तरीके से बनाया जाता है कि जो भी लाइट उसके ऊपर फॉल हो उसके हर केस में वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा ही एंगल बनाए, ताकि वो उसके अंदर एंटर करे ही करे, और अगर एंटर कर गई तो वो उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहेगा और वो हमें डायमंड ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देगा। तो ये है बेटा उसकी एक्चुअल शेप का राज, शेप ऐसी बनाई गई है कि कोई भी उसके ऊपर लाइट फॉल हो तो वो उस एंगल पे फॉल हो कि एंगल ऑफ जो उसका हम कहें जो क्रिटिकल एंगल है उससे ज्यादा एंगल पे फॉल होगी हर बार, उस तरीके की उसकी शेप बनाई गई ताकि वो लाइट एंटर कर जाए, और एंटर कर गई तो उसमें मैक्सिमम जो पार्ट है, या हम कहें जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, मैक्सिमम जो हमारे पास क्या दे, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, वो क्या है कि वो अंदर ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करती रहेगी सरफेस के साथ, तो वो हमारा क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसकी वजह से डायमंड हमें ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है और ग्लास हमें कम चमकता हुआ। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने मेनली जो आपको डिस्कस करना है, जो आपको पढ़ना है, ऑप्टिकल फाइबर, और एक इसका भी थोड़ा सा ओवरव्यू लेना है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उसकी 4 एप्लीकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर, आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और आप इस लेक्चर को बेटा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।